हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम चल रहे बोरा, तो लेट्स गो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। एक्चुअली मैं बहुत लेट हो चुका हूँ और अभी नवी मुंबई ही पहुँचा हूँ और ऊपर से ये ट्रैफिक मैं एरोली ब्रिज पर हूँ। इसका काम 1994 में स्टार्ट हुआ था एंड 1999 में इसका काम कंप्लीट हुआ था। तो 1999 में यहाँ पर सब गाड़ियों का आवाजाही चालू हो गया था और उसके बाद में ये जो ब्रिज है ये मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर लंबा है और ये बहुत ही औसम है, बहुत सही दिखता है यहाँ से। It will take only half an hour to reach our destination once we cross this Wadala CST tunnel. भाई क्या नज़ारा है यार, मुंबई मुंबई है। तो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ अभी और घर पे आने के बाद मैं अभी सोच रहा हूँ, फ़िलहाल मैं अनबॉक्स करके ही लाया हूँ बट मैं पूरा प्रॉपर अनबॉक्स नहीं किया हूँ, सिर्फ कैमरा देखा हूँ चल रहा है कि नहीं, एक्सेसरीज वगैरह अच्छे से नहीं देखा हूँ। तो सोचा कि आप सबके साथ शेयर करता हूँ ये चीज़ें कि जो चीज़ मैं ले कर आया हूँ वो एक्चुअली है कैसा। तो चलो देखते हैं। मैं ले कर आया SJ Cam 6 Legend। इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट और देखते हैं ये क्या है। तो ये है हमारा मैनुअल बुक और ये रहा कैमरा, आप देख रहे हैं इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर सब फीचर्स बताया हुआ है क्या क्या कैसे है। यहाँ पर जैसे कि बताया है कि वीडियो रेजोल्यूशन 4K में रिकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं वाटर रेजिस्टेंट 30 मीटर, 2 स्क्रीन है, फ्रंट में भी स्क्रीन है बैक में भी स्क्रीन है, कैमरा में दोनों साइड स्क्रीन है, जायरो स्टेबलाइजेशन है, 4K रिकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। एसेसरीज़ में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस बने हैं। तो आइए अब हम इसको अनबॉक्स करते हुए देखते हैं। ये रहा हमारा SJ 6 Legend, आप देख रहे हैं। तो मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से हो गया ओपन, ओपन ये देखिए, ये देखिए फ्रंट LCD है और ये बैक LCD है, दोनों साइड है। यहाँ पे ये लेंस है, पावर बटन, ये कैप्चर बटन है, ये पावर बटन है और ये अपना सेटिंग बटन है। इसको हम देखते हैं चालू करके। तो कैमरा चालू हो गया है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीडियो है, वीडियो लैब्स, स्लो मोशन का रिकॉर्डिंग है, बर्स्ट मोड है, फ़ोटो लैब्स, अगर हमको फ़ोटो कैप्चर करना है तो वो भी है, कार मोड है, अंडर वाटर है जो कि सारा मैनुअल बुक में दिखाया था। और उसके बाद में अगर हम फ़ोटो इसका चेक करना चाहें तो ये रहा, ये देखिए, देख रहे हैं बहुत औसम चीज़ है ये। और मैं पहले इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो अब मैं पहले इसको रख देता हूँ और उसके बाद में मैं एसेसरीज देखते हैं क्या क्या आया है। चलो ये देखिए लेंस कवर, ये अपना हेलमेट पे लगाने के लिए, ये बैक डोर देख रहे हैं
जो है माउंट स्टिक, ये सब ट्राईपॉड वगैरह पे, ये काफ़ी सारे सामान मिले हैं स्टिकर वगैरह के साथ में। ये देखिए, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और एक ये केस 14, ये कपड़े को लेके 15 सामान मिला है इसके साथ में। इतने सारे एसेसरीज़ मिले हुए हैं हमको, और अपने हेलमेट में मैं आराम से इसको ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ लगा के, जो अमाउंट यूज़ करके यहाँ पे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके मैं अपने हेलमेट पे यूज़ कर सकता हूँ। और इसका इससे मैं शूट करूँगा, अभी बाहर निकलूँगा, धूप बहुत है, धूप थोड़ा कम होगा शाम के टाइम निकलूँगा और मैं यहाँ से इससे शूट करके आपको दिखाऊँगा। वीडियो के लास्ट में मैं इसे शूट किया हुआ जो क्लिप रहेगा वो 20-30 सेकेंड का वो मैं डालूँगा इससे शूट करके, इसमें डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड करके भी डालूँगा कि विदाउट माइक ये कैमरा कैसा रिकॉर्ड करता है, क्या इसकी टेस्टिंग कैसी है। हम ये समझ लेते हैं कि इसका हम टेस्ट कर रहे हैं, और ये मुझे 9000 से भी कम में मिला है, 9000 से भी कम। इसका प्राइस आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, और पूरा पेटी पैक नया बिल के साथ वारंटी के साथ में। और ये मैं लिया हूँ रिलायबल फ़ोटो स्टोर, और मैंने लिया है राजू भाई से, उनका नंबर नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं। और मेरा नाम बताना है, चैनल का नाम बता दीजिएगा, वो आपको सेम मेरे रेट में देंगे जो रेट में उन्होंने मुझे दिया है ये कैमरा। तो चलते हैं इसका भी शूट करते हैं, और शूट करके देखते हैं ये कैसा रिकॉर्ड करता है, 4K में क्या देता है, साउंड कैसा देता है, सीन कैसा कैप्चर करता है, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाता हूँ। अभी आप मरीन ड्राइव का थोड़ा सीनिक व्यू लीजिए, तब तक मैं इसका रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ वीडियो के लास्ट में। चलो फ्यूल का काम हो गया, पर यहाँ पे सिग्नल लगा है भाई, रूल्स आर रूल्स। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, और मैं यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह देख रहा हूँ, जैसे ही जगह दिखेगी मैं वहाँ पे गाड़ी पार्क करूँगा और सुकून से बैठ के खाऊँगा। तब तक आप थोड़े व्यू देखिए। वाटरप्रूफ केस के साथ में ही ले रहा हूँ मैं, केस निकाला नहीं मैंने, और हो रही नदी, यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन के काम चालू हैं। ये रहे ग्राउंड, इधर इधर और इधर, वहाँ पे वो बच्चे खेल रहे हैं।